Hello dear students, how are you? I hope that you all have been good and taking care about your studies very seriously these days, especially with the help of my YouTube channel English Classes Sanjeev Goswami. अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें अधिक से अधिक, और वीडियोज अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कुछ ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है, ठीक है। आज हम इस वीडियो हम आपको कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताएं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी आप समझदारी दिखाएंगे, ज़रा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा वक्त लगाएंगे तो आज इस वीडियो में भी हम सीख जाएंगे, इस वीडियो में ही हम सीख जाएंगे, ठीक है। आइए, क्या है कन्वर्जन? ये सेंटेंसेस को चेंज करने की एक आर्ट है, बहुत सिंपल है। जैसे हमने टाइप्स पढ़े हैं, जब हम सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं तो अफर्मेटिव then negative and interrogative. Basically हम जब translate कर रहे होते हैं हिंदी to English तो इन तीन टाइप के sentences को ही हम translate करना सीखते हैं। तो इसमें जो changes आते हैं हम किस तरीके से करते हैं, बहुत छोटी सी बात है, अगले 5-6 मिनट में ही हम समझ जाएंगे इसे। जैसे हमने कोई sentence लिखा affirmative, उसे हमने negative में change करना है, तो इसकी क्या ट्रिक है? बहुत छोटी सी ट्रिक है। जैसे हम नेगेटिव को लें पहले, ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग कि जितने भी टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं उनके जो हम सेंटेंसेस को लिखा हुआ देख रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ देम वो इतने इजी हैं, केवल नॉट लगाने पर ही हम उन्हें नेगेटिव में चेंज कर लेंगे। कौन से टाइप होंगे? जैसे जितने भी सिंपल प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर भी, केवल नॉट का यूज कर रहे हैं। जैसे इट इज अ पार्क, नॉट का यूज किया, नेगेटिव हो गया। इसकी जगह पर हमने वाज लिखा होता, देयर वाज अ गार्डन, केवल नॉट लगाएंगे नेगेटिव हो जाएगा। फ्यूचर होता, इट विल बी गुड, केवल नॉट ही तो लगाना है। तो ये सारे सिंपल टाइप जितने हैं केवल नॉट रखेंगे और हम इन्हें नेगेटिव कर लेंगे। दूसरा टाइप है बच्चों कॉन्टिन्यूअस, जहां जहां आईएनजी है, गोइंग अगर हमें दिख गया, कमिंग हमें दिख गया या रनिंग हमें दिख गया, और उससे पहले कुछ भी लिखा हो, चाहे इज हो, वाज हो या विल बी हो, केवल हमें वी हैव टू पुट जस्ट अ नॉट देयर, केवल एक नॉट रखेंगे और हम इन्हें नेगेटिव में चेंज कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, कुछ ऐसे होंगे हैज, हैव और हैड, इसके बाद में सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, बस बीच में केवल हमें नॉट रखना है, एंड वी कैन चेंज ऑल ऑफ देम इनटू नेगेटिव, ठीक है। सेम वे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी ऐसा ही होगा, चाहे तो आपकी तसल्ली के लिए हम लिख सकते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी केवल ओनली नॉट कैन चेंज इनटू नेगेटिव। हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? इन दिस वे अगर हम 12 टाइप मानते हैं, इंडेफिनेट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 × 3 = 12, तो 12 में नौ टाइप, ऑल द कंटिन्यूअस, ऑल द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन ऑल दीज 9 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ टेंसेस
we can change into negative just by putting a not between helping verb and verb. Got it? सहायक क्रिया या प्राइमरी एक्सिलरीज और बेसिक वर्ब्स के बीच में केवल नॉट रखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में केवल नॉट रखने से सारे कॉन्टिन्यूअस सारे सिंपल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एंड सारे परफेक्ट टेंस एंड सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को हम चेंज कर लेंगे तो अब बचा केवल इंडेफिनिट. इंडेफिनिट बचा ना प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट. डियर वन इसमें भी आपको एक मदद मिल गई है. फ्यूचर इंडेफिनिट में भी वी नीड नो अदर थिंग विल और शैल के साथ जो भी वर्ब दी हुई है यहां पर बीच में केवल एक नॉट रखें और हम इसे नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं. कोई डाउट तो नहीं है? डाउट शुड बी आउट. सेंटेंस कुछ ऐसा होगा आई शैल गो. नॉट रहो ना नॉट गो. नहीं जाएंगे साहब आपने अगर इतनी प्यार मोहब्बत और इतनी अकीदत से रोका है कौन कमबख्त जाना चाहता है. मैं ही हूं तो क्या बचेगा बच्चों? अब बचेंगे केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट. ठीक है एक बार फिर ध्यान समझ लें. हम अफर्मेटिव से नेगेटिव करना सिखा रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के साथ सारे कंटिन्यूअस सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं और सारे जो इंडेफिनिट बचे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर जो फ्यूचर इंडेफिनिट रह गया है वो भी केवल नॉट से हल हो गया. यानी कि 12 टाइप में 10 और ऐसे भी गिने 15 टाइप में 12 टाइप हमने केवल नॉट रखकर इन्हें हमने क्या किया नेगेटिव में चेंज कर लिया. ठीक है आइए अब इसे मिटाकर हम थोड़ा प्रेजेंट और पास्ट के बारे में आपको बताएंगे. अब रही बात प्रेजेंट इंडेफिनिट और साथ में इसे लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट के साथ तो इसमें भी कोई नामुमकिन नहीं है. प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल हमें फिर एक बार रिमाइंड कराना होगा आपको. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगा होता है और जब उसे नेगेटिव में चेंज करते हैं तो एस ई एस हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू नॉट या डज नॉट रखते हैं. ठीक है बाद में रखेंगे गलत हो गया थोड़ा. जैसे ही गोज वह जाता है तो हमने देखा ना ई एस लगा हुआ है तो यहीं पर हम ही डज नॉट गो कर दें. कितनी अच्छी हमने आसान बताया आपको ई एस देखकर डज लगाएं. अब यहीं पर होगा आई गो तो इसमें नहीं लगा है तो आई डू नॉट गो. इजी एस ई एस देखा डज नॉट गो और नहीं देखा तो डू नॉट गो हो गया. आइए पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं. पास्ट इंडेफिनिट तो और इजी है आई वेंट. हमने केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म को देखा और हमें अब नेगेटिव करना होगा तो क्या करेंगे यहां पर आई डिड नॉट एंड गो. डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सेकेंड फॉर्म यहां पे आ गई. जो डू की डू फर्स्ट फॉर्म है वो यहां पर डिड हो गया. ठीक है एक बार फिर समझेंगे. गोज डज नॉट गो आई गो डू नॉट गो आई वेंट तो डिड नॉट गो. इस तरीके से हम क्या करेंगे नेगेटिव में चेंज कर लेंगे. अब अगली चीज हम आपको बताएंगे कि हम इन्हें किस तरीके से इंटरोगेटिव में चेंज कर दें. ये और भी आसान हो जाएगा आपके लिए लगभग वैसा ही जैसा अभी हमने पढ़ा. तो इंटरोगेटिव में क्या करते हैं देखेंगे. हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं. किस किस में लाते हैं? ऑल सिंपल जैसे
अगर इज आर एम, ये मैं लिख देता हूँ, वाज वर या विल शैल कैन कुड मे माइट डू मे माइट वुड शुड मस्ट इज आर एम वाज वर विल शैल हैज हैव हैड। तो ये सारी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये जिन जिन सेंटेंसेस में यूज हो रही हैं, टेंसेस में यूज हो रही हैं, जैसे ही हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करना हुआ, ये सारी हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के बाद आई हैं वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगी। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल उठाएं, बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ लें, आई एम अ टीचर, ये अफर्मेटिव है, एम पहले आ गया, एम आई ए टीचर, ये इंटरोगेटिव हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही दूसरा कुछ भी, इट मे रेन, बारिश हो सकती, मे पहले आ जाएगा तो इंटरोगेटिव हो जाएगा। तो आउट ऑफ ऑल दी सेंटेंसेस मोर देन 70-80% सेंटेंसेस जो हैं वो हम हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं वो पहले लाए और हमने इंटरोगेटिव फॉर्म कर लिया। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, फिर वही दो बचेंगे, उसमें हमें क्या करना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो एग्जांपल होगा ही गोज, मैं वही एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं आप समझ सकें, यस लगा है तो यहां पर डज आ गया, डज ही, यस तो हटा दिया यहां पर, गो, ये इंटरोगेटिव हो गया। आई गो इसमें नहीं लगा है, तो डू आई गो इंटरोगेटिव हो गया। तो डू और डज ये अपने पास से लगाएंगे अफर्मेटिव। अगर नेगेटिव होगा तो डज नॉट ऑलरेडी लगा होगा, डज पहले आएगा, नॉट वहीं रह जाएगा, डू नॉट लगा होगा, डू पहले आएगा, नॉट वहीं रह जाएगा, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। केवल इंटरोगेटिव चाहिए होगा, डज डू उठा के पहले ले जाएंगे, नॉट को हटा देंगे, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस कोई है, आई डू नॉट गो, अगर हम केवल इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू पहले लाएंगे, डू आई गो, अगर हमें दोनों चाहिए इंटरोगेटिव नेगेटिव तो डू आई नॉट गो। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट को देख लें छोटा सा एग्जांपल के साथ, आई वेंट मैं गया, मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म देखी तो डिड लगा देंगे अपने पास से, डिड आई गो। तो पास्ट इंडेफिनिट को भी इस तरीके से हम इंटरोगेटिव में चेंज कर लेंगे। बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब दी मिलेंगी आपको, एक्जिलरी वर्ब दी होंगी, मॉडल वर्ब दी होंगी, उन सबको पहले उठा के ले आएंगे, ठीक है। तो सारी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स को जैसे ही पहले लाएंगे हम अफर्मेटिव को इंटरोगेटिव में बनाएंगे, अगर वो असर्टिव होगा, नेगेटिव लगाओ तो नेगेटिव को हटा देंगे तो इंटरोगेटिव हो जाएगा, और अगर हमें इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों को बनाए रखना है तो नॉट वहीं रखेंगे और हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे, ठीक है। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो लाइक जरूर करें, थैंक यू वेरी मच।